देश में अब तक कोरोना से 1007 लोगों की मौत, 24 घंटे में 73 मौत। देश में अब तक 31,332 कोरोना के एक्टिव मामले, एक्टिव केस की संख्या 22,629 हुई। देश में अब तक कोरोना के 7,695 मरीज रिकवर हुए, रिकवरी रेट बढ़कर 23% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल उठाए, कहा अभी प्रयोग किस स्तर पर हो रहा है, उपचार कारगर होने के सबूत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी, अगर प्लाज्मा थेरेपी से सही तरीके से इलाज नहीं हुआ तो खतरे में पड़ सकती है जिंदगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने प्लाज्मा थेरेपी को बताया प्रयोग, कहा दो मरीजों के केस में नतीजे अच्छे मिले। देश में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर समेत 15 खतरनाक जिलों की सूची जारी, इन्हीं जिलों में कोरोना के 70% मामले। कोरोना के साधारण लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस। हर्षवर्धन ने कहा पिछले 7 दिनों में 80 जिलों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, 47 जिलों में 14 दिनों में एक भी मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की कोरोना पर समीक्षा बैठक, कहा आरटीपीसीआर किट और एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के मामले में मई के अंत तक आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। देश के 17 जिलों में 28 दिनों से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, 2 नए जिले लिस्ट से में शामिल हुए, बिहार का लखीसराय सूची से बाहर हुआ। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया, दिल्ली और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए फैसला लिया गया। सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टर, बैंक कर्मी को केंद्र सरकार की ओर से वैलिड पास से एंट्री जारी की गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक राज्य के 78% कोरोना पेशेंट पुरुष हैं, 46% केस जमातियों से जुड़े हुए हैं, राज्य में संक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। हावड़ा में रैपिड एक्शन फोर्स पर पत्थरबाजी, हमले में 12 घंटे बाद हिरासत में लिए गए 14 आरोपी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया, कहा ममता हमलावरों को कर रही है मदद। हावड़ा के रेड जोन इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाने गई टीम पर हमला हुआ, पथराव में 3 पुलिस वाले जख्मी हुए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सामूहिक नमाज से रोकने पर पथराव, मस्जिद में जमा लोगों ने पुलिस पर किया हमला, 1 पुलिस अधिकारी समेत 3 लोग जख्मी। औरंगाबाद के बीडकिन गांव में घटना के बाद पुलिस का एक्शन, 27 लोग हिरासत में लिए गए। बिहार के कैमूर में ग्रामीणों ने एसडीएम और एसडीपीओ पर हमला बोला, राशन बांटने की गड़बड़ी की शिकायत के बाद अधिकारी पहुंचे थे, पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत के डायमंड बुश में मजदूरों का हंगामा, लॉकडाउन में भी काम करवाने पर विरोध जताया, मजदूरों ने गांव वापस भेजने की मांग की, डायमंड बुश कंपनी के दफ्तर पर पत्थर बरसाए। हैदराबाद ओल्ड सिटी के सील जोन में हंगामा, लोगों ने महानगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हैदराबाद नगर निगम पर जरूरत की चीजें नहीं पहुंचाने का आरोप, लोगों का आरोप रमजान के वक्त भी बच्चों को नहीं मिल रहा है दूध। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस वालों पर हमला करने वाली 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। हरियाणा के अंबाला में पथराव करने वाले 30 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोरोना संदिग्ध महिला के दाह संस्कार के लिए गई टीम पर हुआ था हमला। रायपुर में रईस जादे को लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ा, अभिमन्यु सोनी नाम का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, टांडा इलाके में लॉकडाउन का पालन कराने गई थी पुलिस। मुंबई के बांद्रा मामले में आरोपी विनय दुबे को सशर्त जमानत मिली, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा। पालघर में 2 साधुओं की हत्या मामले में कार्रवाई, कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए 31 जुलाई तक घर से काम करने की छूट दी, सरकार ने पहले 30 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दी थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मामले सामने आए, कुल कंफर्म केस की संख्या बढ़कर 3,314 हुई। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 201 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, पिछले 3 दिन से राजधानी में कोई मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना के केस के 2000 से 3000 पहुंचने में लगे केवल 8 दिन, जबकि शुरुआती 1000 तक पहुंचने में लगे थे 42 दिन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, अब 13 दिन में 2 गुने हो रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में हॉटस्पॉट की सेंचुरी, शाहीनबाग का इलाका सवा हॉटस्पॉट बना, पूरा इलाका सील किया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में कोरोना से एक जवान की मौत, इसी बटालियन के 45 अन्य जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल ने कोरोना को मात दी, डीसीपी और थाने के स्टाफ ने फूल बरसाकर स्वागत किया। दिल्ली के मेहरौली में नए तरह से ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पुलिस ये काम कर रही है, रात में उड़ने के साथ साथ थर्मल इमेज लेने में भी ये ड्रोन सक्षम है। दिल्ली में नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, कोरोना पॉजिटिव पाया गया एक अधिकारी, 2 दिन के लिए बिल्डिंग को सील किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 400 तक पहुंची, पिछले 24 घंटे में 31 लोगों ने दम तोड़ा, मुंबई में 25 लोगों की कोरोना के कारण मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 9000 के पार पहुंचा, एक दिन में सामने आए 729 नए मामले, कुल पॉजिटिव केस की संख्या 9318 हुई।
मुंबई में कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या 6169, कल से अब तक 25 मौत, 393 लोग बीमार। धारावी में कोरोना ने 4 लोगों को मौत के मुंह में समाया, 42 नए मामले सामने आए, अब तक 303 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुंबई बेस्ट के 15 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, 1 की मौत, पीड़ितों में 7 कंडक्टर, 4 ड्राइवर शामिल। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने के निर्देश दिए गए, पिछले 3 दिनों में पुलिसकर्मियों की मौत के बाद ये फैसला लिया। पुणे जिले में एक दिन में सामने आए 143 नए कोरोना के मामले, 3 लोगों ने दम तोड़ा। नागपुर के सतरंजीपुरा के 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, 80 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया। नागपुर में संक्रमित शख्स पर संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी छिपाने का आरोप, कोरोना इन्फेक्टेड की मौत के बाद हुआ खुलासा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 226 पॉजिटिव मामले सामने आए, अब तक मरीजों की संख्या हुई 3774। अहमदाबाद में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 19 लोगों ने दम तोड़ा, राज्य में अब तक 181 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में 164 नए मामले सामने आए, कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2543। वडोदरा के नागरवाड़ा में पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए 10 आरोपियों में से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 9 और लोगों की मौत, राज्य में मौत का आंकड़ा 122 हुआ, अब तक 2481 लोग कोरोना से पीड़ित। इंदौर में अब तक 63 लोगों की जान गई, 1372 लोग वायरस की चपेट में। इंदौर के टाटपट्टी में गिरफ्तार कोरोना इन्फेक्टेड बाप बेटे से 20 लोगों को संक्रमण हुआ, 7 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 2000 के पार, 66 नए मामले सामने आए, अब तक 34 लोगों की मौत। यूपी के 60 जिलों तक फैला कोरोना, 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। नोएडा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए, 6 नए हॉटस्पॉट्स बनाए गए, हॉटस्पॉट्स की संख्या हुई 24। गाजियाबाद में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, कुल पॉजिटिव केस बढ़कर हुए 60। वाराणसी आज कंप्लीट बंद रहेगा, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी से बाहर निकलने की परमिशन, आदेश शहरी क्षेत्र में लागू। आगरा में एक अस्पताल के स्टाफ का प्रदर्शन, 22 दिन से टेस्ट किए बगैर क्वारंटीन करने का आरोप। कानपुर में जमातियों से मदरसों के बच्चों को कोरोना, 3 मदरसों के 53 छात्र संक्रमित हुए। लखनऊ और कानपुर में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई, पुलिस ने कहा मांझे और पतंग से कोरोना संक्रमण का खतरा। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट पर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश, कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कई कड़े कदम। राजस्थान में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 2383 हुई, अब तक 52 लोगों की मौत। जयपुर में 90 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना की जंग, अस्पताल स्टाफ ने फूलमाला पहनाकर विदाई दी। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार हुआ, 121 नए मामले सामने आए, सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। चेन्नई की सड़कों पर जागरूकता अभियान, लोगों ने सड़क पर पेंटिंग बनाकर कोरोना के खतरे से आगाह किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या हुई 522, 2 और लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, कुल केस बढ़कर हुए 366, राज्य में 28 जिलों में फैली बीमारी। पंजाब में बाहर से आने वालों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन जरूरी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का निर्देश। झारखंड में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, कुल पॉजिटिव संख्या हुई 105। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 15 मामले, कुल केस हुए 561, अब तक 8 लोगों की मौत। भुवनेश्वर में 77 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 119। जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर डोर टू डोर हेल्थ सर्वे की शुरुआत, श्रीनगर में 2 दिनों में 50,000 लोगों की जांच होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। कोरोना संकट के बीच खुल गया भगवान केदारनाथ के कपाट, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा अर्चना। केदारनाथ में फिलहाल श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक, 3 मई के बाद हालात के मुताबिक इजाजत मिलेगी। आरबीआई ने टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया, आईटीआई के जवाब में दी गई जानकारी। नए खुलासे के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा सूची में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी समेत बीजेपी के दोस्तों के नाम, इसलिए संसद से छिपाया गया सच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, अपने अंदर झांकने की हिदायत दी, कहा कांग्रेस ने सिस्टम को साफ सुथरा बनाने में न सरकार में रहते हुए मदद की, न विपक्ष के रोल में भूमिका निभाई। लॉकडाउन में नागपुर में दवाइयों की पेटी में शराब की तस्करी, 4 तस्कर गिरफ्तार, 13,00,000 की शराब जब्त की गई। शिमला के चिड़गांव में आग का कहर, एक शख्स लापता, 2 झुलसे, 7 घर जलकर राख हुए। हरियाणा के पंचकुला में लॉकडाउन के दौरान आया प्यारा सा वीडियो, पुलिस ने अकेले रह रहे रिटायर्ड कर्नल को जन्मदिन पर केक देकर सरप्राइज किया, बुजुर्ग हुए भावुक। हरियाणा के करनाल में भी पुलिस ने 2 जुड़वा बच्चों को बर्थडे पर सरप्राइज दिया, जन्मदिन पर केक लेकर पुलिस घर पहुंची। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000,000 के पार हुई, एक दिन में फिर 2500 लोगों की मौत हुई, अब तक 59,000 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क में कोरोना के कहर में आई थोड़ी कमी, अप्रैल में पहली बार एक दिन में 1,000 से कम अस्पताल में मरीज भर्ती हुए, न्यूयॉर्क के मेयर का बयान।
अमेरिका में कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा तरीके से सम्मान किया गया। नेवी और एयरफोर्स के विमानों ने न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में आसमान से दी सलामी। अमेरिकी नेवी शिप किड में कोरोना संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 64 हुई। शिप को सैन डियागो के तट पर लाया गया। इटली के बाद स्पेन ने भी लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया। 4 चरणों में दी जाएगी ढील। रविवार से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत। ब्राजील में भी कोरोना का कहर। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 14,000 के पार। 300 से ज्यादा लोगों की मौत। मजदूरों के लिए 700 करोड़ के पैकेज का ऐलान। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान कंपनी की छत तोड़कर 7 करोड़ से ज्यादा के हीरों की चोरी हुई। पुलिस ने 7 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में फेसबुक पोस्ट को लेकर बड़े विवाद में हिंसक झड़प। कई घरों में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने मामले को शांत कराया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा, कभी चमक नहीं खोएगा टेस्ट क्रिकेट। कोहली समेत कोई भी क्रिकेटर इसमें बदलाव का समर्थन नहीं करेगा। मूडीज ने 2020 के लिए भारत के GDP अनुमान को घटाकर 0.2% किया। पहले 2.5% रहने की जताई थी उम्मीद। और अब सहयोगी सुशांत सिन्हा के साथ देखिए क्या प्लाज्मा